अस्सलामु अलैकुम क्लास, दिस इज़ योर फोर्थ लेक्चर। फर्स्ट पार्ट है आपके ये फोर्थ लेक्चर का, जिसमें हमने पढ़ना है हेड की टाइप्स ऑन द बेस ऑफ ओरिएंटेशन, हेड की सेगमेंटेशन एंड देन नेक की स्क्लेराइड्स। सो सबसे पहले व्हाट इज़ हेड? इंसेक्ट में हेड जो है एक कॉम्पैक्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह हमारा एक हेड है, लेकिन हमारा हेड ऐसा कोई बॉक्स लाइक नहीं है। इंसेक्ट में ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें एंटीना प्रेजेंट है, माउथ पार्ट्स प्रेजेंट हैं, आइज प्रेजेंट हैं कंपाउंड एंड सिंपल, और उसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, फंक्शंस की बात करें तो कौन कौन से फंक्शंस जो है हेड परफॉर्म कर रहा है? सबसे पहले फूड डाइजेशन में माउथ पार्ट्स के ज़रिए हेड जो है फूड इंजेशन में एंड फूड डाइजेशन में इन्वॉल्व है। सेकेंड, सेंसरी परसेप्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीना, अ पेयर ऑफ एंटीना ऑन द हेड। एंड द थर्ड फंक्शन इज़ द न्यूरो एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रेन इनसाइड द हेड रीजन। सो टाइप्स ऑफ हेड की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट्स में थ्री टाइप्स के हेड जो हैं होते हैं ऑन द बेस ऑफ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन की बेस पे। सो सबसे पहले जो टाइप है वो है प्रोगनेथस। ये नीचे डायग्राम भी दी हुई है। प्रो मीन बिफोर, गनेथस का वर्ड जो है उसका मतलब हमेशा हैविंग जॉ, यानी कि माउथ पार्ट्स की बेस पर इसकी टाइप जो है इन्होंने बना दी। प्रोगनेथस हैविंग माउथ पार्ट्स बिफोर, यानी कि जो जिनके आगे की तरफ माउथ पार्ट्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हाइपोगनेथस, जिनके माउथ पार्ट्स नीचे की तरफ प्रेजेंट है, हाइपो बिलो। एंड ओपिस्थोगनेथस द थर्ड पार्ट हैविंग बिहाइंड, जिसके पीछे की तरफ माउथ पार्ट, नीचे और पीछे की तरफ माउथ पार्ट्स जो हैं प्रेजेंट हैं। हर एक एक को अलग से देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रोगनेथस। यहाँ पे आप, मैंने डायग्राम दी हुई है पेंसिल से बनी हुई भी, और ओरिजिनल डायग्राम भी जो है दी हुई है। तो प्रोगनेथस में क्या होता है, हॉरिजेंटली जो है माउथ हेड जो है प्रेजेंट होता है, जैसे बिल्कुल पेंसिल आप नीचे गिरा दें तो गिरी हुई पेंसिल हॉरिजेंटल फॉर्म में जो प्रेजेंट होगी, उसी तरह ये माउथ पार्ट, ये हेड जो है होता है किसी भी इंसेक्ट की बॉडी में। माउथ पार्ट्स आर एंटीरियर इन पोजिशन, ये देखें ये माउथ पार्ट्स हैं, ये आगे की तरफ प्रेजेंट हैं, एंटीरियर प्रेजेंट हैं। माउथ पार्ट्स आर एंटीरियर इन पोजिशन एंड पॉइंटेड फॉरवर्ड, ये है माउथ पार्ट्स इसके, और ये आगे की तरफ प्रेजेंट हैं। किन में ये हेड होता है? कार्निवोर, मेनली कार्निवोर में होता है, प्रीडेटरी इंसेक्ट्स में, जैसे कि स्टेक इंसेक्ट, कोलियोप्ट्रा हो गया। ठीक है, कोलियोप्ट्रा में हमारे पास बीटल्स आ जाते हैं, एंड सोल्जर कास्ट ऑफ टर्माइट्स। ये मैंने पिक्चर साथ लगाई हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, माइंड में एक इमेज जो है आपके रह जाए। नेक्स्ट टाइप है हाइपोगनेथस, हाइपो बिलो, यानी कि जिनके माउथ पार्ट्स जो हैं नीचे की तरफ प्रेजेंट हो, ओरिएंटेड वर्टिकली। ये देखें, खड़े भी जिस तरह पेंसिल होती है वहाँ इस तरह से जो है माउथ पार्ट प्रेजेंट होता है। ये मैंने रियल इमेज जो है कॉकरोच की लगाई हुई है, क्योंकि ये कॉकरोच में प्रेजेंट होता है। माउथ पार्ट्स आर वर्टिकल, ये देखें नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल पोजिशन में है, एंड पॉइंटेड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड की तरफ पॉइंटेड होते हैं। मोस्टली इन हर्बीवोर इंसेक्ट्स में ये पाए जाते हैं, जैसे हमारे पास ग्रास हॉपर इसकी एग्जांपल है। आजकल टिड्डी दिल का जो टिड्डी दिल जो आया हुआ है, ये ग्रास हॉपर्स हैं एक्चुअली, लॉकस्ट जिनको कहते हैं, हर्बीवोर इन नेचर है, एंड कॉकरोचेज में जो है ये प्रेजेंट है। सेकेंड टाइप हो गई। थर्ड है हमारे पास ओपिस्थोगनेथस। ओपिस्थो मीन्स बिहाइंड, ये देखें जैसे डायग्राम में पीछे की तरफ, नीचे और पीछे की तरफ माउथ पार्ट जो हैं बेंड हैं। ओरिएंटेड ओब्लिक्विली, ओब्लिक्विली का मतलब है स्लैश की फॉर्म में, तिरछा, तिरछी पोजीशन में जो है ये प्रेजेंट होंगे। ये स्लैश यूं है, अगर स्लैश को यूं कर लिया जाए, यानी कि इस फॉर्म में लेफ़्ट टू राइट की तरफ, तो इस पोजीशन में ये होंगे। पॉइंटेड बैकवर्ड, माउथ पार्ट्स आर पॉइंटेड बैकवर्ड बिटवीन द कॉग्ज़ा ऑफ लेग्स। कॉग्ज़ा ऑफ लेग्स का मतलब है, यानी कि टांगों का ओरिजिन, जो फोर लेग्स हैं प्रोथोरेक्स से निकलने वाली, फोर लेग्स जो हैं प्रो लेग्स,
उनकी ओरिजिन के दरमियान जो है ये इसके माउथ पार्ट्स दरमियान में पहुँचे हुए होते हैं। जैसे ये देखें यहाँ पर ये एक सकिंग ट्यूब है, ये दोनों टांगों के दरमियान तक पहुँची हुई है। ठीक है, कोक्सा जो है ये ओरिजिन ऑफ लेग को कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल में कौन कौन हैं जी, मोस्टली सकिंग जो इंसेक्ट हैं वो आ जाते हैं जिनमें प्रोबोसिस प्रेजेंट हो। और प्रोबोसिस क्या है, एलोंगेटेड ट्यूबुलर फ्लेक्सिबल माउथ पार्ट है। एफिड्स इसके एग्जांपल है जिसमें कॉटन बग भी आया था। वैसे तो एफिड्स हेमिप्टरा जो है हेमिप्टरा में ही रेड कॉटन बग आया था। सारे बग्स और एफिड्स जो हैं ऑपिस्थोगनेथस में आ जाते हैं। ये टाइप्स हो गई। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन ऑफ हेड। जिस तरह इंसान के चेहरे पे चिक है, नोज़ है, लिप्स हैं, अपर लिप्स हैं, चिन है, फोर हेड है, आइज़ हैं, आईब्रोज़ हैं, इसी तरह इंसेक्ट के फेस पे भी, हेड में भी डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट हैं। ये मैंने एक नीचे एक इमेज लगाई है जिसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये एक और पार्ट है, ये एक और पार्ट है, ये और पार्ट है। तो ये सारे पार्ट्स मिलकर फ्लैक्स की सूरत में, छिलकों की सूरत में, हार्ड छिलकों की सूरत में एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, जिसको हम हर एक छिलके को, हर एक पार्ट को, हर एक फ्लैक को स्क्लेराइट कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी इंसेक्ट आज इस मौजूदा दौर में मौजूद हैं उनमें एज सच कोई क्लियर स्क्लेराइट्स मौजूद नहीं हैं, लेकिन पिछले तमाम इंसेक्ट्स में स्क्लेराइटाइजेशन बहुत वाजे थी। लेकिन अब भी एटलीस्ट आपको 6 स्क्लेराइट्स जो हैं इंसेक्ट में नज़र आ जाते हैं। वो कौन कौन से स्क्लेराइट्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले स्क्लेराइट्स क्या हैं, दो टर्म्स आप पढ़ेंगे यहाँ पर, स्क्लेराइट्स एंड सूचर्स। व्हाट आर स्क्लेराइट्स, ये दोनों मिलके स्केल्टन बनाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स का स्केल्टन बनाते हैं। हेड रीजन में कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो स्क्लेराइटाइज्ड होते हैं, यानी कि वो काइटन के बने हुए हार्ड एरियाज होते हैं, उनको हम स्क्लेराइट्स कहते हैं। ठीक है, अब सूचर्स क्या हैं, सूचर्स में उर्दू में आपको बता दूं क्रैक्स हैं। ठीक है, क्रैक्स। स्क्लेराइट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या सेपरेटेड हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रैक्स, एंड दीज क्रैक्स आर कॉल्ड सूचर्स। द स्क्लेराइट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय नैरो लाइंस टर्म्ड एज सूचर्स, दे आर नथिंग देन फाइन ग्रूव्स। तो ये क्रैक्स हैं, जिस तरह दीवारों में क्रैक्स पड़ जाते हैं और एक हिस्सा दूसरे से अलग हो जाता है, वो हिस्सा जो है वो स्क्लेराइट है और वो क्रैक्स जो हैं वो हैं सूचर्स। ये नीचे इमेज में आप देख सकते हैं ग्रासहॉपर के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं हेड के, ये स्क्लेराइट्स हैं। ठीक है, ये इमेज आपने याद कर लेनी है, फ्रंट व्यू भी एंड बैक व्यू भी, ये डिफरेंट स्क्लेराइट्स हैं। ये मैं आपको इनके नाम और इनकी एक्सप्लेनेशन जो है अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले है फ्रोन्स। फ्रोन्स कहाँ हैं ये फ्रोन्स, इस सामने जो आपको ये है लिखा हुआ फ्रोन्स, स्किन कलर का जितना भी एरिया नज़र आ रहा है ये सारा फ्रोन है। ठीक है, लार्ज अनपेयर्ड अपर स्क्लेराइट है जो फ्रंट एरिया होता है हेड का। ठीक है, एक्सटेंड्स फ्रॉम फ्रंटल सूचर्स, फ्रंटल सूचर टू द क्लाइपियस। अब क्लाइपियस क्या है, ये भी एक स्क्लेराइट है जो इसके बाद नीचे की तरफ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, जो हम अभी स्टडी करेंगे, फ्रंटल सूचर यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, फ्रंटोक्लाइपियल सूचर भी कहते हैं, ये फ्रंटल सूचर भी आप कह सकते हैं। यहाँ जब क्लाइपियस को स्टडी करेंगे तो क्लाइपियस सूचर भी कहेंगे इसको, तो दोनों को मिला के इसको फ्रंटोक्लाइपियल जो है सूचर बोलेंगे। लेटरली एक्सटेंड्स अप टू द आईज़, यहाँ लेटरल साइड्स पे दोनों साइड से जेना के साथ कनेक्टेड है, जेना इज़ ऑल्सो एन अदर स्क्लेराइट बाय जेनल सूचर। जेनल सूचर का ये जो लाइन नज़र आती है ये आपको, ये सूचर है जेनल सूचर के साथ। ठीक है, फ्रोन्स बियर मीडियन ओसिलस एंड एंटीना, ये देखें इसके अंदर ही फ्रोन्स से ही एंटीना निकल रहे हैं और यहीं पर प्रेजेंट है ये दरमियान वाली तीन में से एक ओसिलाई। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइपियस। क्लाइपियस इज द सेकेंड स्क्लेराइट सेपरेटेड फ्रॉम फ्रोन्स बाय फ्रंटो क्लाइपियल या क्लाइपियल सूचर, जिसको एपिस्टोमियल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है एपिस्टोमियल। लेब्रम अपर पार्ट इज़ अटैच अलॉन्ग इट्स एंटीरियर बॉर्डर, ये देखें ये क्लाइपियस है, ये स्काई कलर में,
इसके नीचे की तरफ एंटीरियर पार्ट की तरफ जो है ये लेब्रम, एक माउथ पार्ट है, ये हेड में जो प्रेजेंट है लेब्रम, सामने जो आपको नजर ये अटैच है, ठीक है। फ्रॉन्स हो गए, क्लाइपियस हो गया, नेक्स्ट है लेब्रम, ये जो माउथ पार्ट है। वैसे तो बहुत सारे माउथ पार्ट्स हैं लेकिन मैं आपको स्क्लेराइड्स में लेब्रम इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जब भी हेड रीजन को देखा जाता है तो लेब्रम और मैंडिबल जो हैं ये सामने दिखते हैं। माउथ पार्ट्स का एक अलग से हम लेक्चर लेंगे। सो व्हाट आर लेब्रम्स, अनपेयर्ड स्क्लेराइड्स, कहाँ हैं जी ये लेब्रम? ये ब्लू कलर में ये जो है क्लाइपियस के साथ नीचे लेब्रम अटैच है। इट इज़ मूवेबल एज इट इज़ अ माउथ पार्ट आर्टिक्यूलेटेड विद क्लाइपियस विद क्लाइपियो लेब्रल सूचर, ठीक है। सूचर्स के नाम बहुत ईजी हैं बनाना। जिस दो स्क्लेराइड्स के दरमियान प्रेजेंट हैं उन दो नाम्स को आप जोड़कर क्लाइपियो लेब्रल सूचर, ठीक है। अगर ये फ्रॉन और क्लाइपियस के दरमियान है तो फ्रंटो क्लाइपियस सूचर, अगर ये फ्रॉन्स और जेना के दरमियान है तो फ्रंटो जेनल सूचर या जेनल सूचर, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्क्लेराइड वर्टेक्स, कहाँ है ये वर्टेक्स? ये हेड रीजन जो है ये जो येलो कलर का नज़र आ रहा है ये सारा वर्टेक्स है, ये सारा वर्टेक्स है, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ द हेड लाइज बिहाइंड द फ्रंटल सूचर, ये देखें ये है फ्रंटल सूचर के बिहाइंड प्रेजेंट है, उसके पीछे प्रेजेंट है। बिटवीन द कंपाउंड आइज़, ये दो पैरेट कलर के जो कंपाउंड आइज़ हैं इनके दरमियान। एरिया इंक्लूड डोर्सल पोजिशन ऑफ द टू स्क्लेराइड्स सेपरेटेड बाय कॉर्नल सूचर, या जिसको हम एक डाइसियल क्लेविज लाइन भी कहते हैं। अच्छा, ये वाई शेप में आपको जो है उल्टा वाई, ठीक है, ये जो लाइन नज़र आती है इसको हम एक डाइसियल क्लेविज लाइन भी कहते हैं। हेड रीजन में जब भी मोल्टिंग का प्रोसेस होता है तो यहाँ से सबसे पहले जो है मोल्टिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्क्लेराइट है हमारे पास जेना, कहाँ है ये जेना? ये है जी जेना, फ्रॉन्स के राइट एंड लेफ्ट दोनों लाइट पर्पल कलर में जो आपको नज़र आ रहा है ये है जेना। दीज आर द लेटरल, लेटरल और पेराइटल एरिया, पेराइटल का लफ्ज़ लेटरल के लिए यूज़ होता है, सिनोनिम है इसका। एक्सटेंड बिलो द आइज़, ये दोनों आइज़ के नीचे की तरफ प्रेजेंट हैं। एंड बिटवीन जेनल सूचर, ठीक है, ये फ्रंटो जेनल सूचर के बिहाइंड जो है जेना स्क्लेराइड जो है प्रेजेंट है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास पोस्ट जेना, कहाँ है ये पोस्ट जेना? जेना के पीछे जो लेटरल एरिया था हमारे पास, यहाँ पर चिक्स थी उसकी, ठीक है, गालें, इंसेक्ट की चिक्स जो थी वो जेना थी। तो जेना के पीछे पोस्ट जेना प्रेजेंट है। अब ये जो है हेड रीजन, मैंने बैक साइड यहाँ पर डायग्राम लगाई हुई है, पोस्ट जेना ये लाइट पर्पल कलर में, ठीक है। प्रेजेंट बिलो द लेवल ऑफ द कंपाउंड आइज़, ये पैरेट कलर के जो कंपाउंड आइज़ हैं इनके लेवल से नीचे प्रेजेंट है। बिहाइंड द ओसीप्यूटल सूचर, ओसीप्यूटल सूचर के पीछे प्रेजेंट है। अच्छा, अब ये ओसीप्यूटल सूचर क्या है? ओसीपुट का वो क्रैक जो ओसीपुट को अटैच करता है पोस्ट जेना से, वो ओसीप्यूटल सूचर है। एंड व्हाट इज़ ओसीप्यूट? ओसीप्यूट इज़ अनदर स्क्लेराइड, कहाँ है? यहाँ पर ये जी, ये येलो कलर में, वर्टेक्स से पीछे। एंड ओसीप्यूटल ये पोस्ट जेना से ऊपर ये ओसीपुट प्रेजेंट है। इट इज़ अ नैरो स्क्लेराइड प्रेजेंट बिहाइंड द वर्टेक्स, वही बात की ना मैंने, जो हेड रीजन वर्टेक्स है उससे पीछे प्रेजेंट है। एक्सटेंड डाउनवर्ड ऑन ईच साइड फ्रॉम पोस्ट जेना, पोस्ट जेना से पीछे एक्सटेंड होता है। बिहाइंड ओसीपुट लाइज अ नैरो रिम, विच है ये ठीक कर लेगा, विच अटैचेज द हेड टू द नेक मेम्ब्रेन, यहाँ से नेक मेम्ब्रेन जो है अटैच होगी, ये जो रिंग नज़र आ रही है आपको यहाँ से नेक रीजन अटैच हो जाएगी। नेक्स्ट है कंपाउंड आइज, इसका आपको पता है बताने की जरूरत नहीं, लेटरल इन पोजिशन है आइज़ हैं ये, ऑक्यूलर स्क्लेराइड्स के थ्रू जो हैं ये जो डार्क ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है ये ऑक्यूलर स्क्लेराइड है, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट है कंपाउंड आइज। नेक्स्ट है जी, ये है कंपाउंड आइज। नेक्स्ट है जी ओसिलाई, ये प्लूरल है, सिंगुलर ओसिलस, ठीक है, कहाँ है ये जो ओसिलस? ये प्रेजेंट है, ये तीन हैं, एक जो है ये फ्रॉन्स में प्रेजेंट है, दो जो है ये वर्टेक्स में प्रेजेंट है। मीडियन ओसिलाई इज़ लोकेटेड इन फ्रॉन्स, वाइल लेटरल ओसिलाई लोकेटेड नियर कंपाउंड आइज इन द वर्टेक्स रीजन। नेक्स्ट इज़ दी एंटीना, एंटीना का भी आपको पता है, ये है जी एंटीना, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो फ्रॉन एरियाज में प्रेजेंट हैं, ठीक है, राइज इन फ्रंट ऑफ आइज फ्रॉम द एंटीनल रिज या एंटीनल स्क्लेराइड। ये जो ऑरेंज कलर की आपको एक रिज नज़र आ रही है ये है एंटीनल स्क्लेराइड,
ये आपका लास्ट क्लेराइट है टेंटोरियम. व्हाट इज़ टेंटोरियम? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. ये जितने भी पहले क्लेराइट पड़े हैं ये सारे एग्जोस्केलेटन इन नेचर थे. इंसेक्ट्स में एग्जोस्केलेटन ही है, लेकिन ये एक वाइस क्लेराइट है जो एंडोस्केलेटन के रोल का रोल प्ले करता है. इट इज़ एन एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर विच प्रेसेस द हेड इंटरनली कंपोज्ड ऑफ टू पेयर्स ऑफ इन्वेजिनेशंस. यानी कि चार इन्वेजिनेशंस होती हैं जो हेड रीजन को स्ट्रॉन्ग करती हैं इंटरनली. अब कौन कौन सी हैं जी? ये एंटीरियर आर्म, ये यहाँ पर ये प्रेजेंट है. एंटीरियर आर्म अराइज एन इन्वेजिनेशन फ्रॉम ईच एंड ऑफ क्लाइपियल सूचर. ये मैंने जो फ्रॉन्स एंड क्लाइपियल जो स्क्लेराइट के दरमियान जो सूचर था वहाँ पर ये अटैच होता है इंटरनली. ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे छत बहुत बड़े हॉल में छत के साथ जो है पिलर्स बनाए जाते हैं ताकि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रहे. तो ये बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पिलर्स हैं इनसाइड द हेड रीजन. नेक्स्ट है पोस्टीरियर आर्म अराइज फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द पोस्ट ऑसिप्यूटल सूचर. यह पोस्ट ऑसिप्यूटल सूचर से जो है अटैच है इंटरनली. नेक्स्ट है सेंट्रल मास या कॉर्पोरोटेंटोरियम भी जिसको कहते हैं. इनवर्ड एक्सटेंशन मीटिंग एंड फ्यूजिंग द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर आर्म्स, इन दोनों को मिलाता है. ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए भी एक और मजीद पिलर है जो कि सेंट्रल मास कहलाता है. नेक्स्ट इज द डॉर्सल आर्म एक्सटेंड फ्रॉम एंटीरियर आर्म टू द बेस ऑफ एंटीनल स्क्लेराइट. एंटीनल स्क्लेराइट की बेस पर ये प्रेजेंट होता है. अच्छा जी, नेक है हमारा. नेक्स्ट है जो हमारे पास नेक रीजन. हमारा जो हेड रीजन के स्क्लेराइट से वो ख़त्म हो गए. ठीक है, नेक रीजन. अब नेक रीजन जो है हेड के साथ एक ओपनिंग जो है हमारे पास प्रेजेंट होती है जिसको हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं. ये ह्यूमंस में भी होती है, बाकी एनिमल्स में भी होती है. इंसेक्ट में जो है ये यहाँ पर मैंने आपको दिखाई है फोरामेन मैग्नम. ये है जी होलो एरिया जो नज़र आ रहा है. एक्चुअली ये होलो नहीं है, फोरामेन मैग्नम. ये अटैच करती है हेड रीजन को नेक रीजन से या बाकी के थॉरेक्स रीजन से. बिटवीन द हेड एंड ट्रंक इज़ अ मेम्ब्रेनस रीजन जिसको हम नेक कहते हैं या सर्विक्स कहते हैं. ठीक है, दिस नेक रीजन इंक्लूड बोथ लेबियल हेड. लेबियल हेड इसलिए कहा क्योंकि ये लेबियल जो है माउथ पार्ट है. एक्चुअली लेबियल वहाँ नेक रीजन जो है उसके बहुत नज़दीक पड़ता है. लेबियल हेड सेगमेंट एंड प्रोथोरेसिक सेगमेंट, थोरेक्स का जो फर्स्ट पार्ट है उसको प्रोथोरेसिक सेगमेंट अटैच करता है इन दोनों एरिया को. ठीक है, दिस हैज़ सम टाइम बीन रिगार्डेड एज सेपरेट. बहुत पहले एंटोमोलॉजिस्ट इसको एक सेपरेट जो है पार्ट देते थे, यानी कि हेड, माइक्रोथोरेक्स, थोरेक्स एंड देन एब्डोमेन. पर बहुत थोड़े एविडेंसेस हैं इसके, सो इसको एक्सक्लूड कर दिया गया एंटोमोलॉजी की स्टडी से. अब तीन ही पार्ट्स हैं हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन. थैंक यू.